तो अभी ये सारे कंपोनेंट्स मैं इसमें यूज लेने वाला हूँ, तो बेसिकली मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा कि कैसे कैसे कनेक्शंस होने वाले हैं, और वायरिंग डायग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले ये जो बैटरी पैक है वो 4S का बैटरी पैक है 16.8 वोल्ट के लिए, और बेसिकली ये मैंने चार बैटरीज को सीरीज में लगा रखा है और चार बैटरीज को पैरेलल में, ताकि इसके जो ये जो एक बैटरी है 2000 mAh की है, 2000 प्लस 4000 mAh का जो इसका बैकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो BMS है वो 40 ampere का BMS है, और यहाँ से हमें इसकी नेगेटिव की आउटपुट लेनी है और यहाँ से पॉजिटिव की आउटपुट लेनी है। और अभी जो बेसिकली इसको चार्ज करने के लिए 16.8 वोल्ट्स के हमें चार्जर चाहिए, और जो मेरे पास अभी चार्जर है वो 12 वोल्ट्स का है और 2 ampere का। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, इस एडाप्टर को खोल के और जो इसका जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पे, जो इसका PCB बोर्ड है उसमें यहाँ पे इसके आउटपुट पे जो जेनर डायोड लगा हुआ है, मैं पहले यहाँ पे 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगा हुआ था, मैंने अभी यहाँ पे 16 वोल्ट का जेनर डायोड लगा दिया है, और ये जो आउटपुट करेगा 17.2 वोल्ट्स के आउटपुट करेगा, जो थोड़ी सी के अकॉर्डिंगली ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डायोड है 6 एम्पीयर का डायोड, मैं इसे फॉरवर्ड बायोस में इसके साथ में लगा दूंगा, तब ये जेनर डायोड की वजह से 17.2 वोल्ट्स आ जाएंगे। और आपको ये भी देखना है कि ये जो कैपेसिटर है वो 16 वोल्ट्स का लगा हुआ रहता है 12 वोल्ट्स में, बट इसमें ऑलरेडी 25 वोल्ट्स का है तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, और 1000 UF का है तो ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली सूटेबल है। अगर यहाँ पे आपको 16 वोल्ट दिखे तो आपको पहले कैपेसिटर चेंज करना होगा, उसके बाद आप ये डायोड चेंज करना। तो अभी मैंने ये डायोड लगा लिया है, ये चार्जर हमारा रेडी है। बेसिकली जो इसके थोड़े से वोल्टेज ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो ये चार्जिंग का कनेक्टर है इसके पॉजिटिव पॉइंट पे मैं डायोड का नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसकी पॉजिटिव आउटपुट लूंगा और यहाँ से नेगेटिव आउटपुट लूंगा। तो इस तरह से हमारे इसको चार्ज करने का सिस्टम बन जाएगा। जो ये डायोड है 0.7 वोल्ट ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से इसे 16.5 वोल्ट्स मिलेंगे, जो कि इसके चार्ज करने के लिए बहुत है इनफ। ये जो आउटपुट देगा वो 24 वाट्स की देगा, तो लगभग 1.5 ampere की पावर देगा 16 वोल्ट पे। जो एम्पलीफायर बोर्ड है मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है, अमेजन वगैरह है, कहीं भी फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन आपको मिलेगा नहीं। वाकई में बहुत अच्छा एम्पलीफायर है, इसकी जो आउटपुट है वो 50+50 वाट की है, लिटरली बहुत प्यारा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बोर्ड है। तो जब मैंने इसकी आउटपुट टेस्ट की, जो मैंने इसे 20 वोल्ट्स के समथिंग पावर दी थी, और 20 वोल्ट्स की पावर देने पर जब मैंने इसके एम्पियर्स चेक करे तो 3-4 ampere दे रहा था हाई बेस साउंड्स पे, तो लगभग आप मान सकते हो कि 80 वाट की पावर दे रहा था। तो वाकई में 50 वाट्स का बोर्ड है। और अभी पूरे के पूरे जो डिटेल्स है इसके बैक पे मेंशन है कि कहां क्या कनेक्शंस करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो लिखा हुआ है इसकी पावर पे 12 वोल्ट से 20 वोल्ट की पावर इसमें देनी है। इस बोर्ड को 20 वोल्ट से ऊपर चलाना इसके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ये बर्न हो जाएगा उसके ऊपर, इसीलिए मैं इसके लिए 16 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज ले रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 5 वोल्ट की आउटपुट है, जो कि हमारे BT में जाएगी, और यहाँ से हमें इसमें इनपुट पावर देनी है, और यहाँ से स्पीकर के लेफ्ट आउटपुट है और यहाँ पे इसके राइट आउटपुट है। तो ये काफी अच्छा सा कॉम्पैक्ट सा प्यारा सा बोर्ड है। और ये जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है 8 cells के लिए भी बना हुआ है, मतलब आप इसमें सिंगल सेल से लेके 8 cell तक का बैटरी पैक यूज ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है, 4 cell का बैटरी पैक यूज लूंगा तो मैं 4S पे इसे कनेक्ट कर दूंगा, शोल्डरिंग कर दूंगा, तो ये 4 cells के अकॉर्डिंगली आउटपुट दिखाएगा। और अगर आपके पास 8 cell का है तो आप यहाँ पे 8S पे इसका शोल्डरिंग करोगे तो आपको वैसी आउटपुट दिखाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसमें कोई शोल्डरिंग नहीं हो रखी है, तो इसकी वजह से जो आउटपुट पे आप देखोगे जब कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे किसी तरह का ये लो बैटरी ही दिखाएगा। आप देख सकते हो ये लो बैटरी दिखाएगा, तो जब तक आप शोल्डरिंग नहीं करोगे तब तक ये लो बैटरी ही दिखाने वाला है। को मैं डायरेक्टली इस BMS से कनेक्ट करूंगा, उसके बीच में पुश बटन का यूज लूंगा, बैटरी का लेवल देखना होगा तो हम इसे पुश करके इसका लेवल देख सकते हैं। तो अभी जो BT बोर्ड में यूज लेने वाला हूं, वो 4 transistor का BT बोर्ड है, आप यहां पे देख सकते हो इसमें BC547 के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और इसकी जो पावर आउटपुट है काफी अच्छी है, और बेस और ट्रबल की क्वालिटी बहुत इसकी शानदार है। और इसके आउटपुट पे आप यहां देख सकते हो ये जो वॉल्यूम प्रीसेट्स लगे हुए हैं, तो आप वॉल्यूम को एडजस्ट भी यहाँ से कर सकते हो कि आपको अगर फटी हुई आवाज आ रही है तो इसे थोड़ा सा कम कर सकते हो। बोर्ड में हल्की सी नॉइज की प्रॉब्लम है, जो कि हाई लेवल पे वॉल्यूम खोलने पर ही आती है, तो यहाँ से इसीलिए इसको एडजस्ट करने के लिए प्रीसेट्स दे रखे हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो कनेक्शंस कैसे होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर पे हमें जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे 12 वोल्ट्स की पावर देनी है, और यहाँ पे जो ये नेगेटिव का पॉइंट है यहाँ पे हमें ग्राउंड का कनेक्शन करना है। तो बेसिकली आप इस जो
ट्रांजिस्टर लगे हुए BC547, तो ये 16 वोल्ट्स पे भी आराम से वर्क करेंगे, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो अभी बस हमें ध्यान रखना है कि हमें जो पॉजिटिव का कनेक्शन करना है वो इसी रजिस्टर पे करना है, ना कि डायरेक्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। और ये जो यहाँ पे इनपुट के कनेक्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमें BT से जो आउटपुट आएगा उसके कनेक्शन यहाँ पे करना है, और जो इसका आउटपुट जो हमें लेना है वो यहाँ से लेना है। और साथ ही मैं आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो BT बोर्ड है थोड़ी सी नॉइज क्रिएट करता है, कब, जब हम इसके वॉल्यूम्स को घुमाते हैं, जब हम इसको हाथ लड़ाते हैं तो थोड़ी सी नॉइज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है घुमाते हुए, और वो स्पीकर से लिटरली सुनाई देती है कि बोले हाँ हम किसी चीज को घुमा रहे हैं। तो उस चीज से बचने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो ये वॉल्यूम्स के जो ये हेड्स है यहाँ पे, इन्हों को हल्का सा घिस के यहाँ पे शोल्डर कर लूंगा दोनों पे, और साथ ही मैं यहाँ वॉल्यूम के लिए भी जो यहाँ से ये नोब्स को हटा के इस तरह की वॉल्यूम यूज लेने वाला हूँ। यहाँ से ये सिंगल सिंगल चैनल के हैं और ये ड्यूल चैनल का है, तो मैं इसे डायरेक्टली यूज लूंगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, तीनों को एक साथ कनेक्ट करके यहाँ ग्राउंड पे मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा, ताकि जो इसकी नॉइज की प्रॉब्लम है वो ग्राउंड में चली जाएगी और हमें स्पीकर के अंदर सुनाई नहीं देगी। और साथ ही में अगर आप जैसे कि यहाँ प्रीसेट्स लगे हुए हैं तो ये यहाँ पे नॉइस को आउटपुट लेने से बचाते हैं। जब आप दूसरे टाइप के बोर्ड्स को भी देखोगे तो इनके आउटपुट पर हमेशा आपको रजिस्टर लगे हुए मिलेंगे, 22K का रजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि वॉल्यूम आउटपुट वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देता है और जो नॉइस की प्रॉब्लम्स है वो नॉइस से नहीं आती है। यहाँ पे आउटपुट पर रजिस्टेंस लगाया जाता है। और जो BT चिप में यूज लेने वाला हूँ वो BT चिप में ये वाली BT चिप यूज लेने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ पे इस पे सारे मैंने ऑलरेडी इस पे कनेक्शन कर रखा है, क्योंकि मुझे नॉइस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी इन सभी के कनेक्शन में, क्योंकि जब मैं टेस्ट कर रहा था तो नॉइस का इशू बहुत ज्यादा था। बेसिकली फिर मैंने क्या किया कि ये जो BT बोर्ड है, इसी BT बोर्ड में मुझे नॉइस की प्रॉब्लम नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो एक कैपेसिटर इसके पावर के सप्लाई पे मैंने ऐड कर रखा है, जो 10 वोल्ट्स और 222 UF का है, और मैंने इसके ग्राउंड से और इसके पॉजिटिव पे मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। और जो इसके आउटपुट के पॉइंट्स है वहां पे मैंने क्या किया है, एक 32 ओम्स के रजिस्टर्स लगा रखे हैं राइट और लेफ्ट चैनल दोनों पर। और बेसिकली मुझे नॉइस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी, इस वजह से मैं आपको ये सब करके नहीं दिखाने वाला, मैंने इसे ऐड करके छोड़ दिया है। और ये जो वायर है मैंने शील्डेड वायर यूज लिया है, क्योंकि नॉइज आने के काफी सारे रीजंस होते हैं हमारे एम्पलीफायर में, और इसी वजह से मैंने शील्डेड वायर यूज लिया है। और मैं जितने भी वायर्स को इसमें कनेक्शन के लिए यूज लूंगा शील्डेड वायर यूज लूंगा। ये जो BT चिप है इसमें नॉइज का इशू बहुत कम है। और बेसिकली मैंने काफी सारे ब्लूटूथ चिप्स से मैंने कनेक्शन करके देखा, तो मुझे सभी में सेम पावर सप्लाई से नॉइज का इशू आ रहा था। ये वाला जो चिप है इसमें बहुत ज्यादा नॉइज का इशू था, ये चिप में भी नॉइज का इशू था, बट ये कुछ देर बाद बंद हो रहा था तो मैंने इसे यूज नहीं लिया। चिप में भी बहुत ज्यादा नॉइज थी, ये जो है इसमें बहुत स्लाइटली बहुत कम नॉइज मिलती है हमेशा, बट इसमें भी काफी ज्यादा नॉइज थी, इसमें तो अजीब तरह की टिप टिप की नॉइज आ रही थी, तो मैंने इसे बिल्कुल यूज लेना ही सही नहीं समझा। नॉइज की प्रॉब्लम दोस्तों मुझे भी आती है, बहुत ज्यादा इशू रहता है नॉइज का। तो नॉइज आने का रीजन काफी सारी वजह रहती है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ से वॉल्यूम प्रीसेट्स की वजह से भी नॉइज आती है, तो हमें उसे भी ग्राउंडिंग करना पड़ता है। और जब हम सेम पावर सप्लाई से इसे चलाते हैं, जैसे कि अभी मैं सेम पावर सप्लाई से 5 वोल्ट आउटपुट लूंगा, तो यहाँ से भी में नॉइज आती है, तो उस नॉइज से बचने के लिए मैंने यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगा रखा है, और साथ ही में आउटपुट पे मैंने छोटे से 32 ओम्स के मैंने रजिस्टर लगा रखे हैं। और जब मैं इस BT से भी आउटपुट लूंगा तो इसके जो वॉल्यूम से जो आउटपुट आएगी वहां पे भी मैं कुछ 0.5K से लेकर 10K तक के रजिस्टेंस को ऐड करूंगा, ताकि जो पूरी हाई वॉल्यूम है वो एम्पलीफायर में ना आ जाए, जिसकी वजह से भी नॉइज आती है। तो बेसिकली सिंपल से इसके कनेक्शन है, और आपको वायरिंग डायग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, पैसिव रेडिएटर जो बनाया है, ये जो पैसिव रेडिएटर बनाने वाला हूँ, यहाँ पे बॉन्ड लगा के इस पे बॉन्ड लगा के मैं इसे अच्छे से यहाँ से चिपका दूंगा, इसे यहाँ मैं अच्छे से सेट कर दूंगा। और सेट करने के बाद ये जो मैंने इसके सपोर्ट्स के लिए ब्रैक्स बनाई है उन्हें यहाँ पे लगा के और स्क्रू से टाइट कर दूंगा, ताकि इसे अच्छा खासा सपोर्ट दे देंगे। For you, I try to pray for you.
तो ये जो वॉल्यूम नॉब है इसका एक चैनल जो है अच्छे से ग्राउंड नहीं हो रहा है, उसकी वजह से एक चैनल पर कंटिन्यूसली आवाज आ रही है पूरी वॉल्यूम डाउन करने के बाद भी। इसकी वजह से मुझे एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि हम पहले ही इन वॉल्यूम्स को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सारा पूरा अच्छे से सेट कर दिया था। बस जस्ट फाइनल ही टचअप कर रहा हूँ मैं इसका, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें से आवाज इशू आ रहा है। इसके ग्राउंड पे मैं इसके वायर, एक वायर को ग्राउंड पे रखूंगा और दूसरे वायर को मैं इसके इनपुट से चेक करता हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी में आपको बीप की आवाज सुनाई दे रही होगी, तो मतलब ये प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग कर रहा है। और वहीं इसके दूसरे चैनल पे चेक करूँ तो यहाँ कोई बीप की आवाज नहीं आ रही, मतलब ये प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इसे वापस से खोलना पड़ गया। अभी चलो मैंने इसको चेंज कर दिया, अभी प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है वापस से, पहले जैसे इसे लगा दिया। और अभी मैं थोड़ा साउंड चेक कर लेता हूँ, तो अभी आपने देखा को किसी तरह की आवाज नहीं आ रही है और नॉइज भी बहुत ही, आई थिंक नॉइज आ ही नहीं रही है। दैट्स अ ग्रेट। तो मैं अभी जस्ट इसकी वायरिंग चेक कर रहा था कि प्रॉपर वायरिंग हुई है या नहीं हुई है, तो अभी सारा सब कुछ सिस्टम सही था। बट अभी क्या हुआ कि जो इसकी आउटपुट है ना वो लिटरली बहुत गजब की आउटपुट आ रही है। मैं अभी आपको चेक भी करवाता हूँ। मैंने ये जो मल्टीमीटर को एम्पियर के मोड पे लगा रखा है और मैंने यहाँ से इसके जो कनेक्शन कर रखे हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हो 00 चल रहा है और ये पूरा एम्पलीफायर यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये जो वॉल्यूम्स अभी मैंने सही किए थे वो है, पावर अप करता हूँ अभी। पावर अप जब जैसे मैं इसको पावर अप करूँगा, आप यहाँ पे पावर देखना इसकी, वो 3 एम्पियर की ये पावर ले रहा है। और मैं कुछ सॉन्ग प्ले करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कैसा क्या चल रहा है। तो मैं अभी एक सॉन्ग प्ले करता हूँ, ये फुल वॉल्यूम पे लगभग 4 एम्पियर के समथिंग ले रहा है और जो इस थोड़े डीप बेस साउंड से ना मैं 4 से भी ऊपर जा रहा है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं इसमें 1K का रेजिस्टेंस कनेक्ट करने वाला था, बट मैं अभी 4.7K का रेजिस्टेंस को इसके एक एक चैनल पे कनेक्ट कर दूंगा ताकि थोड़े से एम्पियर ड्रॉप हो जाए। तो मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी ये 70 वॉट्स की पावर ले रहा है जो कि बहुत ज्यादा है। और इस तरह से तो ये बैटरी पैक सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो अभी इसके थोड़े से बैटरी पैक को बचाने के लिए मैं ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे 4.7K के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया है दोनों चैनल्स पे अलग अलग। वैसे तो मैं 10K का रेजिस्टेंस ऐड करना चाहता था, बट क्या मुझे ध्यान आया कि जब हम यूट्यूब से गाने चलाते हैं तो उसकी आवाज थोड़ी सी कम आती है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा रखा है। और नॉर्मली म्यूजिक प्लेयर से आवाज थोड़ी ज्यादा आती है, इसी वजह से मैंने 4.7K का रखा है कि यूट्यूब से भी जब हम गाने चलाए तो अच्छी खासी आउटपुट मिले। तो अभी मैं इसे ऑन करता हूँ, ये भी लगभग 0.8 एम्पियर के समथिंग ड्रॉप हुआ है, तो चलो ये भी ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही एम्पियर्स लिया था। और ये जो बैटरी पैक है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसे फुल वॉल्यूम पे चलाएंगे तो। तो इसे थोड़ा सा कम वॉल्यूम पे चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा बैकअप मिलेगा। तो अभी मैंने इसे पूरा कंप्लीट करके इसे बंद कर लिया था और इसके साउंड टेस्टिंग में कर रहा था। तो साउंड टेस्टिंग में मुझे पता चला कि इसके जो वॉल्यूम है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, और शायद ये जो डिफेक्ट है, एक बार मैं एक म्यूजिक चलाता हूँ आपको दिखाता हूँ। अभी जो है इसमें से हल्की सी आवाज आ रही है, हल्की सी आवाज आने के साथ में जैसे मैं इसकी आवाज बढ़ाता हूँ, ये जो आवाज़ है फटी फटी आवाज आ रही है, जो लो वॉल्यूम पे फटी हुई आवाज आ रही है इस स्पीकर से। वॉल्यूम तेज करने के बाद तो आवाज सही आ रही है, बट वॉल्यूम लो रहती है जब बिल्कुल मतलब 2-3% वॉल्यूम हम खोलते हैं तो फटी फटी आवाज आ रही है, देखिए।
तो मुझे पहले लगा कि ये जो दिक्कत है वो शायद वॉल्यूम की होगी, तो मैंने ये 47K का वॉल्यूम हटा के इसके जगह 100K का लगाया था, बट 100K में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद भी मैंने ये जो वॉल्यूम प्रीसेट्स आते हैं काफी अच्छे क्वालिटी के वॉल्यूम प्रीसेट्स है, तो ये भी मैंने लगा के देखा, बट इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो शायद ये बीटी बोर्ड की प्रॉब्लम है या फिर छोटे छोटे प्रीसेट्स हैं, इन प्रीसेट्स को हटा के उसकी जगह मैंने वॉल्यूम लगाई है, तो शायद ये इस प्रीसेट की वजह से भी हो सकता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इन प्रीसेट्स को मैं वापस लगा दूंगा और उसकी जगह जो हमारी आउटपुट से जो वायर आ रहा है ये वाला, इस आउटपुट के वायर पे मैं वॉल्यूम को ऐड करूंगा ताकि, और देखता हूँ कि इसकी जो नॉइस की वॉइस की प्रॉब्लम है वो दूर हुई कि नहीं। काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है जब मैं स्पीकर बनाता हूँ, तो इसलिए मैं छोटे छोटे डिटेल्स भी आपको बताना चाहता हूँ। और बताने की वजह यह है कि काफी सारे लोग मुझे देख के स्पीकर्स बनाते हैं और वो मुझसे क्वेरीज करते हैं और प्लस मुझे स्पीकर बना के भेजते हैं, तो जो मेरे फॉल्ट रहते हैं वो आप लोगों को पता नहीं चलते हैं। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो मैं फॉल्ट क्रिएट करता हूँ, जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स होती है, वो भी मैं आपको बता सकूँ ताकि आप लोगों को भी वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो अभी मैंने इन प्रीसेट को वापस लगा दिया यहाँ पे, और ये जो वॉल्यूम है मैंने ब्लूटूथ चिप से इनपुट लेके और यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो मैंने बीटी बोर्ड में दे दिया है। और अभी मैं इसमें म्यूजिक प्ले करता हूँ, तो इसकी पूरी वॉल्यूम लो करने के बाद भी इसमें थोड़ी सी आवाज आ रही है क्योंकि प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं हुआ है। पहले फटी फटी आवाज आ रही थी, वो अब नहीं आ रही। तो मैं भी इस इनक्लोजर को वापस से पैक कर देता हूँ।